जय हिंद, सभी का स्वागत है। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का, देख लीजिएगा यदि आपके पास समय यदि हो तो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, लेकिन आपके पास समय हो और आपको ठीक लगे विषय तो देख लीजिएगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के में कुछ बच्चों ने आवेदन किया होगा और जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 26 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न क्वेश्चंस को लेकर कई सारे वीडियो मैंने पहले भी बना चुके हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने देखे ना हो या आप लोगों को समझ में ना आए हो। ठीक है, तो एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। पहली बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन और वीडियो का पहला पार्ट है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी आपका होगा, 100% संभावनाएँ हैं कि ऑनलाइन माध्यम से एंट्रेंस लिया जाएगा। ठीक है, और जिस दिन आपका एंट्रेंस होगा, किसी का 26 जनवरी को, किसी का 29 जनवरी को, किसी का 3 फरवरी को और किसी का 7 फरवरी को, एंट्रेंस एग्जाम से 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले आपको ईमेल पर कुछ चीज़ें संस्थान की तरफ से भेजी गई होगी, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ईमेल के ऊपर कुछ आपको PDF फाइल भेजी गई होगी, उस फाइल को ओपन करिएगा। उसके अंदर कुछ आपको सेटिंग मिलेगी विंडोज़ की, आपके में विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है या XP है, जो भी आपका विंडो है उसके अनुसार आपको एक सेटअप मिलेगा। उस सेटअप को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और उसको अप्लाई करना है, क्योंकि यदि आप उस सेटअप को अपने सिस्टम में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एंट्रेंस देते वक्त में आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए यह सेटअप आपको विंडो का उन्होंने भेजा है संस्थान ने। एक PDF फाइल होगी 2 या 3 पेजेस की, अलग अलग भी हो सकती है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा और सिस्टम में सेटअप कर लीजिएगा। फाइल में क्या लिखा होगा, कैसे सेटअप करना है, ये मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि ना ही मैंने फॉर्म भरा है, ना ही मेरा एंट्रेंस इंटरव्यू होता है और ना ही मुझे उसकी जानकारी है। लेकिन हाँ, पूर्व के कुछ बच्चों ने बताया था मुझे कि उनको ऐसा सेटअप भेजा गया है और बिना उसको सेटअप को इंस्टॉल किए हुए, अप्लाई किए हुए आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अपना ईमेल ID सभी लोग चेक कर लेंगे। दूसरी बात, मोबाइल फोन से एंट्रेंस देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइप आप मोबाइल में कैसे करेंगे, छोटी सी स्क्रीन होती है मोबाइल की, 4 इंच 5 इंच 6 इंच 10 इंच की, कैसे टाइप करेंगे, है ना। यदि आपके फोन में कीबोर्ड अटैच हो सकता है और माउस अटैच हो सकता है तो फोन से दे सकते हैं। यदि या किसी के फोन में, मोबाइल फोन में कीबोर्ड और माउस अटैच हो सकता है तो फोन से दे सकते हैं, अगर नहीं होता है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, अगर किसी को इंग्लिश टाइप करने में दिक्कत आती है तब क्या करेंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आपको उसका जवाब देना, और कोई भी सवाल का जवाब आपको लिखित में नहीं देना है कागज पेन पे। ठीक है, आपको सारे सवालों के जवाब टाइप करने होंगे। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे उनको दिक्कत है कैसे टाइप करें हिंदी में, उसी हिंदी के समाधान के लिए मैंने आपको पहले बताया था 1 मिनट पहले कि आपको जो ईमेल पर सेटिंग भेजी गई है उसको विंडोज में अप्लाई और अपलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तभी आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे यदि आपके सिस्टम में हिंदी फॉन्ट या हिंदी यूनिकोड नहीं है। यदि आपके सिस्टम में हिंदी फॉन्ट हिंदी यूनिकोड है तो लैंग्वेज को शिफ्ट करके आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसके सिस्टम में नहीं है उनको ये सेटअप करना जरूरी है, और एक बात, विंडो की जो सेटिंग आपको भेजी गई है उसको सभी को करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाएं आप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपको रिटर्न में आएंगे और सभी के जवाब आपको टाइप करने हैं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है 10 घंटी, है ना, और एक यूट्यूब होता है, 10 कंठी आप कैसे लिखते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप 10 कंठी को, DASHKANTHHI 10 कंठी हो गया। अगर आपको भारत लिखना है तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, BHARAT भारत लिखेंगे। तो इस लैंग्वेज का प्रयोग भी आप एग्जाम में सवालों के जवाब देते वक्त कर सकते हैं। यदि आपको फ्लुएंस इंग्लिश नहीं आती है या आपको हिंदी टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार की रोमन इंग्लिश का प्रयोग आप टाइप करते वक्त अपने सवालों के जवाब देने में कर सकते हैं, और ऐसा पूर्व के बहुतों बच्चों ने किया है, वह पास भी हुए हैं और आज जॉब कर रहे हैं वर्तमान दौर में। ठीक है, तो घबराइएगा मत टाइपिंग की वजह से। ठीक है, एक और चीज, यदि एग्जाम देते वक्त आपका सिस्टम बंद हो जाए या रीस्टार्ट हो जाए या हैंग हो जाए, घबराइएगा मत। ठीक है, घबराइएगा मत, सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करिएगा, दोबारा लॉगिन करिएगा, आपका एग्जाम जहां से रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा,
कोई भी आपका टाइम वगैरह मिस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होता है, हैंग होता है, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन टाइम आपका जहां से रुकेगा, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका 40 मिनट हो चुका है, एकदम सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, लाइट चली गई, नेट चला गया। और हाँ, नेट होना जरूरी है। जिस समय एग्जाम देंगे उस 90 मिनट में या 120 मिनट में, उस दौरान आपके सिस्टम में इंटरनेट का होना जरूरी है। बिना इंटरनेट के एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यदि किसी के पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो अपने मित्र का, दोस्त का हेल्प लीजिए या फिर किसी साइबर कैफे में चले जाइए, ठीक है। पुनः आते हैं विषय पर, हम कहाँ थे। हाँ, सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो दोबारा कर लीजिएगा, एग्जाम वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर। ये तकनीकी बातें मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, आपको मालूम नहीं है। इसीलिए एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे, कोई भी सवाल MCQ नहीं आएगा। सारे सवालों के जवाब आपको रिटर्न में देने होंगे और आपका एग्जाम का जो समय रहेगा 90 मिनट या 120 मिनट रहेगा। एग्जाम में पूछे गए सवालों की संख्या 5 से लेकर 12 हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, कोई हिस्ट्री का होगा, कोई हिंदी का होगा, कोई पॉलिटिकल का होगा, लेकिन 5 कम से कम और ज्यादा 12 से 12 सवाल पूछे जाएंगे। जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपको सभी के जवाब देने हैं, कोई सवाल का जवाब आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपसे जो भी क्षमा कीजिए, आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनमें से 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब आपको ज्यादा शब्दों में देना होगा, जिसे बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब होता है 500 या 800, यानी कि 500 से लेकर 800 शब्दों में आपको उन लॉन्ग आंसर टाइप सवालों का जवाब देना होगा। 500 से 800 मैंने इसीलिए बोला, वह डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट को लेकर। और कोई बच्चा साइकोलॉजी से है, उसका जवाब लेंथी होगा। कोई हिस्ट्री से है, लेंथी होगा। कोई हिंदी से है, शॉर्ट हो सकता है। कोई क्या करते हैं उसमें पॉलिटिकल से, इसका लगभग ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और कुछ सवाल आपसे 100 शब्दों में के जवाब में पूछे जाएंगे, कुछ 200 में, कुछ 300 में, ठीक है। वन वर्ड और वन लाइन के सवाल नहीं होंगे, वन वर्ड और वन लाइन के सवाल नहीं होंगे। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट लगभग 100 से 150 शब्दों में और लॉन्ग मतलब 500 से 800 शब्दों में, ठीक है। और जो भी सवाल का जवाब होगा आपको वहां टाइप करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि हमारी टाइपिंग स्पीड तो नहीं है, नहीं है तो वही मैंने कहा ना कि जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे आपने देखे नहीं है। यदि अप्लाई करने से पहले आप उन वीडियोस को देख लेते तो आपको पास लगभग फॉर्म भरने से लेकर एंट्रेंस के बीच में लगभग 7 दिन, किसी के पास 1 महीने का समय था, आप प्रैक्टिस करते आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। एक और बात, 5% चांस है, 5% चांस है, क्योंकि अक्टूबर में हुआ है ऐसा, अक्टूबर नवंबर में हुआ है, 5% चांस है कि आपको किसी सेंटर पर बुलाया जाए एग्जाम देने के लिए। यदि ऐसा होता है आप लोगों के साथ, कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पर बुलाया जाता है, वहां एग्जाम कंप्यूटर पर नहीं होगा, रिटन में होगा, कागज और पेन पे आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। अगर आपको बुलाया जाता, अगर ऑनलाइन है तो कंप्यूटर पर एग्जाम देना है, और यदि आपको सेंटर पर बुलाया जाता है तो वहां आपका एग्जाम रिटर्न में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आने का जाने का किराया आपको संस्थान देगा, टिकट को संभाल के रखिएगा। कहाँ एग्जाम होना है, कहाँ आपको रुकना है 1 से 2 दिन में, उसकी व्यवस्था भी संस्थान करेगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, तकनीकी विषय बता दिया। अब थोड़ा सा सिलेबस समझ लीजिए, किस किस फील्ड से कैसे सवाल आ सकते हैं। वीडियो आधा हो चुका है, 7 मिनट और चलेगा। एक शब्द होता है हिंदी में परिस्थिति, परिस्थिति, और हिंदी में इसको बोलते हैं, परिस्थिति को क्या बोलेंगे हिंदी में, सिचुएशन, परिस्थिति यानी कि कैसी कैसी सिचुएशन थी। सिचुएशनल एंड कंडीशनल, इन 2 शब्दों का ध्यान रखिएगा। सिचुएशनल और कंडीशनल सवाल आपसे किए जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप में, और आपके सब्जेक्ट से संबंधित सवाल आपसे शॉर्ट में किए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो मानसिक रूप से अक्षम हैं विषय को समझने में। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अक्षम हैं या मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं आपकी बात को समझने में, और आप जो पढ़ा रहे हैं उनके दिमाग में उस तरीके से नहीं बैठ पाता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शब्द से यूज करते हैं, उसको जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अपनी कक्षा में आप कैसे पढ़ाएंगे,
ऐसे बच्चों को अपनी कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे? तो आपको एक कंडीशन दे दी है, परिस्थिति दे दी है कि आपकी क्लास में मानसिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाने के लिए, और आपको पढ़ाना है इतिहास, आपको पढ़ाना है भूगोल, आपको पढ़ाना है व्याकरण, आपको पढ़ानी है संस्कृत, आपको पढ़ाना है मैथमेटिक्स। तो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आप? क्या आपकी टूल्स रहेंगे, क्या आपकी तकनीकें रहेंगी, क्या आपका चैप्टराइजेशन, सॉरी क्या आपका लेसन प्लान रहेगा? ये सब बातें आपको उस लॉन्ग आंसर टाइप में लिखनी होगी। ठीक है, एक तरीके का सवाल और आ सकता है, आप पढ़ा रहे हैं अपनी कक्षा में, आपकी कक्षा में मान लीजिए मोटा मोटा 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 बच्चे एक वर्ग के हैं और 100 में से 30 बच्चे दूसरे वर्ग के हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाते वक्त एक शिक्षक का बर्ताव कैसा होगा, शिक्षक का बिहेव कैसा होगा, शिक्षक का दृष्टिकोण और पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा उन 100 बच्चों के प्रति, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रकार और होता है, उसमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए जाएंगे कि आप मान लीजिए शहर के किसी स्कूल में गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, लेकिन आप गांव से हैं, मूल रूप से जो शिक्षक है वो ग्रामीण परिवेश से है और आपको भेज दिया गया है शहरी वर्ग के किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आपकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है विषय के प्रति, और आप जिस क्षेत्र में गए हैं वहां के ज्ञान में जो टकराव होगा, क्योंकि शहर के बच्चे अपडेटेड होते हैं, मोबाइल लैपटॉप पीसी से जानकार होते हैं, टेक्नोलॉजी के होते हैं, लेकिन शिक्षक यदि उस प्रकार का जानकार नहीं है तो शिक्षक अपने आप को कंफर्ट में कैसे लाएगा? मान लीजिए मुझे किसी ग्रामीण परिवेश पर भेज दिया जाए और ग्रामीण परिवेश के बच्चे लैपटॉप इंटरनेट का बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं बच्चों से पहले ही दिन से कहूं कि मुझे अगली क्लास में मैं तब पढ़ाऊंगा जब आप लोग एक विषय पर पीपीटी बनाकर लेकर आएंगे, आप लोग एक विषय पर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे, तो शिक्षक कैसे उन बच्चों को डील करेगा और शिक्षक कैसे अपने आप को उस परिस्थिति में मैनेज करेगा? ऐसे सवाल भी परिस्थितियों को लेकर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक और चीज, मान लीजिए आपको इतिहास पढ़ाना है क्लास में और दूसरे बच्चों को भूगोल पढ़ाना है आपको एक पीरियड के बाद में, ठीक है, तो एक शिक्षक एक घंटे में इतिहास, एक घंटे में भूगोल पढ़ाना है, तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी आपके पढ़ाते वक्त में, आपके शिक्षण की विधियां क्या रहेंगी, इसको पेडागोजी बोलते हैं, वो क्या रहेगी? और एक और चीज समझिए कि आपने मान लीजिए व्याकरण के शिक्षक होने वाले हैं, व्याकरण आप पढ़ाएंगे, तो व्याकरण को पढ़ाने के लिए क्या आपके पास कोई मॉडल है, कोई तकनीक है, कोई टूल है? इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और चीज, आपने एक विषय पढ़ा होगा एजुकेशन और एक पढ़ा होगा सोशल वर्क, यानी कि शिक्षा शास्त्र और समाज कार्य। शिक्षा शास्त्र और समाज कार्य के माध्यम से किसी विषय को सरल तरीके से कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपको बताना होगा। और किसी ने ये भी कहा है, चाणक्य ने ही कहा है, कि प्रकृति के माध्यम से जब हम शिक्षा देते हैं तो बच्चों के जो ज्ञान का लेने का तरीका होता है ना, ज्यादा विकसित होता है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा और आपने शांति निकेतन का नाम भी सुना होगा। शांति निकेतन में लगभग कई दशकों तक जो पढ़ाई लिखाई है एक पेड़ के नीचे ओपन में हुआ करती थी, और गांव में आज भी आपने देखा होगा बच्चे पेड़ों के नीचे या टीचर लोग है खुले में पढ़ाते हैं। तो एक क्लासरूम में पढ़ा हुआ बच्चा और एक खुले वातावरण में पढ़ा हुआ बच्चे में ज्ञान में क्या कुछ फर्क होता है? अगर होता है तो आपको बताना पड़ेगा। और कुछ बच्चे फील्ड पे जाकर पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड वर्क स्टडीज, खासकर कम्युनिटी स्टडीज के बच्चे। तो कम्युनिटी स्टडीज के बच्चे, क्लास में पढ़े हुए बच्चे, स्मार्ट क्लास में पढ़े हुए बच्चों के ज्ञान में क्या कुछ फर्क होता है अध्ययन अध्यापन में, इसको आपको भी बताना होगा। एक और चीज आपसे सवाल होंगे कि भारत में कई प्रकार की शिक्षा प्रणालियां चलती है, कई प्रकार के बोर्ड चलते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। तो यह जो अलग अलग प्रकार के माध्यम है पढ़ाने के, बोर्ड हैं, क्या इनके सिलेबस अलग अलग होते हैं? और अगर सिलेबस अलग अलग होते हैं तो शिक्षक कैसे मैनेज करेगा उसको? और मान लीजिए आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा पहली से पांचवीं क्लास तक मान लीजिए स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, छठी से आठवीं तक वह बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, है ना, और नौवीं से बारहवीं तक वह बच्चा मान लीजिए नवोदय बोर्ड से पढ़ रहा है। तो एक बच्चा तीन बोर्ड से पढ़कर आया है, उसके दिमाग में तीन प्रकार का तकनीक, तीन प्रकार का बोर्ड घूम रहा है, और आप एक शिक्षक आप कैसे पढ़ाएंगे उसको? और एक मैंने छोड़ दिया इसमें आर्मी स्कूल या मिलिट्री स्कूल,
वहां भी पढ़ाई लिखाई होती है, उसके अलग तरीके होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम, अलग अलग प्रकार के संस्थान, अलग अलग प्रकार के विषय को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस में आपसे मूल रूप से पूछा जाएगा कि आप शिक्षक हैं, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, औरों से अलग, ये आपका मेन चीज रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आपके, मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट से पेपर दे रहा है, फाइन आर्ट से, तो अगर आपको बच्चों को व्याकरण पढ़ाना है या आपको बच्चों को इतिहास पढ़ाना है, तो आप कला के माध्यम से, कला का मतलब चित्रकला नहीं होता है, कला में बहुत कुछ आता है, तो आप अपने उस आर्ट के माध्यम से बच्चों को व्याकरण हो, इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कैसे पढ़ाएंगे? यानी कि आपकी जो स्किल है, आपकी जो शिक्षण की पेडागोजी है, उसका इस्तेमाल आप अपने विषय को पढ़ाने के लिए कैसे करेंगे कि बच्चे आपको समझें, आपके दिए हुए लेक्चर को समझें, ये आपको बताना होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा थोड़ा मैंने एग्जाम्पल बताया कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। यही पूछे जाएंगे ये मत मानिएगा, यही पूछे जाएंगे, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक और चीज, जो बच्चे रिसोर्स पर्सन का एंट्रेंस देने वाले हैं, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपसे फील्ड वर्क के विषय में, एजुकेशन के विषय में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फील्ड वर्क, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कम्युनिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट सिलेबस, स्मार्ट शिक्षक, स्मार्ट स्टूडेंट, ये शब्द हैं, इनको लेकर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके अंतर्गत राज्य बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनजीओ के माध्यम से जो पढ़ाई लिखाई होती है, इन सब बोर्ड को लेकर अलग अलग प्रावधान हैं, और शिक्षा जगत की जो पूर्व की समितियां हैं, पूर्व के आयोग हैं, पूर्व की शिक्षा नीतियां हैं, इसको लेकर भी आपसे सवाल जवाब होंगे, जो बच्चे खासकर रिसोर्स पर्सन का या टीचर एजुकेटर का एंट्रेंस देंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा, कम समय है आपके पास, मैंने भी वीडियो देर से बनाया, उसके लिए मैं तो हूँ क्षमा प्रार्थी, क्योंकि स्वास्थ्य और समय दोनों मेरे बस में होता नहीं है, कब बिगड़ जाए, कब कमे हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया, आपके दिमाग में कितना बैठा, कितना नहीं बैठा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कुछ बातों को मैं आपको रिपीट कर देता हूं, एग्जाम मोबाइल फोन पर मत दीजिएगा, लैपटॉप या फोन पर दीजिएगा। एग्जाम देने से पहले अपने विंडोज में, चाहे 7 है, 10 है, 8 है, जो भी आपको सेटिंग भेजी गई है ईमेल के माध्यम से, अपना ईमेल चेक कर लीजिए। यदि किसी को सेटिंग नहीं भेजिए, संस्थान को फोन करिए, ईमेल करिए, उनसे बोलिए कि हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है एग्जाम से पहले। ठीक है, उसको सेटिंग को देखिए, सिस्टम में इंस्टॉल कीजिए, अप्लाई कीजिए, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो कैफे में जाइए, वहां से भी एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देते वक्त सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए, हैंग हो जाए, घबराइएगा मत, जहां से आपका एग्जाम स्टॉप हुआ है वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जब दोबारा से बैठेंगे, लॉगिन आईडी जब आप डालेंगे। ठीक है, आपकी ईमेल पर जब आपने अप्लाई किया होगा, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया होगा, उसी लॉगिन आईडी से, पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा एग्जाम से पहले। एग्जाम देते वक्त अपना एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, या क्या बोलते हैं, जन्म पत्री से बोलते हैं ना, इसको पास में रखिएगा, आपसे हो सकता है पूछा जाए या देखा जाए। ठीक है, एग्जाम हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में दे सकते हैं। इंग्लिश को टाइप करते वक्त में, हिंदी को टाइप करते वक्त में दिक्कत होती है, तो रोमन इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम देते वक्त में किसी प्रकार के ईयरफोन का यूज मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप का और जो माइक होता है इतना स्ट्रांग होता है कि आप मुश्किल से 2 या 3 फीट की दूरी से एग्जाम देंगे ना, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो एयरफोन मत लगाइएगा, लेकिन लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नहीं लगाएंगे तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में सवालों की संख्या 5, 10, 15 जो भी हो सकती है, और 90 मिनट या 120 मिनट का आपका पेपर आएगा। और एक छोटी सी मेरी अपील है अगले 30 सेकंड की, एग्जाम देने के बाद अपने अनुभव को जरूर शेयर कीजिएगा किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इस मान लीजिए किसी एग्जाम हो जाएगा 26 को, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने एग्जाम को शेयर जरूर कीजिएगा। कितने क्वेश्चन आए, कौन, अगर आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो क्वेश्चन भी टाइप कर दे कि हमसे ये सवाल पूछा गया, उसके जवाब को फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आए, आपका विषय था जो क्या, उससे संबंधित क्वेश्चन आए या विषय से बाहर के क्वेश्चन आए, इनका फायदा ये होगा कि आने वाले बच्चों के लिए एक नया कंटेंट मिलेगा। आपको मेरी बात ठीक लगे तो अप्लाई कीजिएगा, और आपने अपना 20 मिनट का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को यानी कि रात में 9:15 बजे आपसे मिलते हैं लाइव में, यदि आपके पास समय हो।
तो आप भी आइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, मित्रों को बताइएगा, और आपके कोई सवाल, शंका, जिज्ञासा, डाउट हो और किस प्रकार कोई द्वंद हो दिमाग में, उसको पूछिएगा लाइव सेशन में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, सलाम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा की, और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। यदि आप मानते हैं भारत गणतंत्र है तो मनाइएगा भारत गणतंत्र, और 26 जनवरी के लाइव में जरूर जुड़िएगा रात 9 से 11 के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।